लेकिन आपके लिए मुझे लाहौर भी जाना पड़ता तो मैं चला जाता। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ट्राली जो है ना वो लोड कर लिया, ये देखे ट्राला जो है ना, अपने बाल तो ठीक कर लिया, बाल जो है ना देखे काम करते हैं, बाल भी बिखर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे मिलकर तो सब खैर से हमारी बात जा रहे खुश रहे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, रात हम थोड़ा सा लेट आए थे सफदर भाई के घर से, जब आ रहे थे थोड़े से लेट हो गए थे, इस वजह से हम रात को वीडियो नहीं बना सके थे। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे क्योंकि लेट हो गए थे, बच्चे थे, बड़े स्लो स्लो आए थे। मैंने कहा बाइक है और मतलब गाड़ी हो तो फिर बंदा चला जाता, स्पीड से भी चला जाता है, लेकिन बाइक में थोड़ा मुश्किल हो जाता है संभालना भी, इस वजह से ऐसा आए थे और थोड़े से लेट पहुंचे थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे मिल करते हैं, सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से, आपकी दुआओं से फैमिली बिल्कुल ठीक हूं। तो सुबह मैं नमाज पढ़ के जब मैं सो गया था, अभी देखे मुँह मैंने नहीं धोया, अभी नाश्ते के लिए इन्होंने मुझे उठाया कि नाश्ता कर ले, मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर ले। और उसके बाद आज जो है ना एक बड़ी बड़ी खुशखबरी है, जैसे वहाँ से आए थे ना खुशखबरी हमें मिली है और वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, आज जुमा भी है, हमारी तरफ से आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और जुमा भी अदा करेंगे और बाकी आप लोगों के साथ खुशी भी जो है ना वो भी शेयर करें। तो चलते हैं जुमा, जुमा नहीं पढ़ते नाश्ता करते हैं। तो चलो जी नाश्ता करते हैं, जुमा जो है ना बाद में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर, मैं अपने खरगोशों से इतना ज्यादा उदास हो गया था ना, यकीन माने ऐसे जैसे बच्चे होते हैं मेरे, इनसे ऐसे में उदास हो गया था। हेलो, कैसे हैं आप सब, सब खैरियत से हैं? वहाँ भी देखे बच्चे जो है ना वो फूल उतार रहे हैं, वो देखे फूल जो ना वो तोड़ रहे हैं। अच्छा, इनको जो भी चीज़ डाले ना ये बड़े शौक से खा लेते हैं, ये देखे मेरे पास आ गए माशाल्लाह। चलिए चलते हैं जी, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनके लिए कुछ चीज़ लेके आते हैं आज या सुबह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रेसिपी जो ना वो भी बनाएंगे। किचन जो है ना हमारा बेचारा ऐसे ही खड़ा हुआ है, वो भी देखता होगा कि कहाँ चले गए, और कभी सुबह सुबह जो है ना इनको खाने को कुछ भी नहीं मिलता अभी तक बैठे हुए, और किचन हमारा सोचता होगा कि कहाँ चले गए मुझे बना के, मुझे बनाने वाले कहाँ पे चले गए। तो आज इंशाल्लाह आज या सुबह जो है ना इनका भी कुछ सोचते एक अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पे दुआ है जी। हेलो दुआ, दुआ फातिमा, इसका हो गया जी गंजा, इसके पापे ने गंजा इसका करवा दिया, इसका भी और इसके भाई का भी, ऐसे भी ऐसे करेंगे वैसे, ये देखे ऐसे बाल ठीक नहीं हो रहे थे ना वो। हाँ जी, इसके भाई का भी थे, किसी पर नहीं थे, सही हो गया गंजी, अब सही हो गई है, अब खुश हो गई है, बालों की परेशानी से आजाद हो गई। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे अब्दुल हादी जी बच्चों के साथ खेल रहे, रात आया तो रात जैसे ही आया तो बच्चों के साथ इसने खेलना स्टार्ट कर दिया, इसने नहीं देखा अभी रात है, और ये उसका भाई गंजा, इसने भी गंजा करवा लिया, ये देखे। आप यहाँ पे क्या कर रही है? मैं दुपट्टों को देख रही हूं। क्यों, आपके दुपट्टे किसके हैं? नहीं मेरे नहीं है। किसके हैं ये? मुझे कोई आईडिया नहीं किसके। तो चले नाश्ता दे। हां जी प्यारे बने हैं। तो चले नाश्ता दे, मुझे भी भूख लगी हुई है। नाश्ते के साथ कुछ भी नहीं है, अंडा वगैरह भी नहीं है। अंडा बना दो फिर। पड़ा हुआ है अंडा खाली पड़ा, लेकिन साथ कोई प्याज वगैरह नहीं है जो बना दूं मैं। चले अंडा खाली, अंडा बना दे, खाली अंडा बना दे। चले। हाँ जी वीवर, तो नाश्ता जो है ना हमारा तैयार हो चुका है, अंडा बैगन से मैंने बना लिया, देखे माशाल्लाह आपने तो आलू अंडा बना दिए, क्या बनाया? तो ये तो जुगाड़ लगाना ही था ना, नाश्ता तो करना था, ये रात में थोड़े से पड़े हुए थे आलू, फिर आलू पालक थे। अच्छा। नहीं वैसे हड्डिया भी थोड़े से थे, मैंने उसमें अंडा मिक्स करके ना वो गुजारा लग कुछ बना दिया। चले ठीक है, चले जी नाश्ता करते हैं और उसके बाद देखते हैं। हाँ जी, तो अभी जो है ना मैं जाने लगा हूँ बाहर शॉप पे, बेगम से मैं कहती थी मुझे ला के दे सर्फ, क्योंकि हम वहाँ पे दो तीन दिन लगा के आए हैं बसंतर के पास, और कपड़े जो है ना हमारे काफ़ी इकट्ठे हो गए, मेरे बच्चों के और बेगम सभा के अम्मी अब्बू के कपड़े जो है ना वो सारे इकट्ठे हो गए धोने वाले, और मैंने कहा चले मैं आपको सर्फ ला के देता हूँ आप धोएं। ये देखे कपड़े ये पड़े हुए, ये धोने वाले कपड़े पड़े हुए, और इन्होंने कहा जी मैं धो लेती हूँ, और कहाँ पे धोने हैं ये उनसे पूछते हैं, किधर धोने आपने? ये पास वाला टेबल है वहाँ पे चले जाते हैं। टेबल पे धोने हैं कि घर धोने हैं अपने? घर तो लाइट आ जा रही, वैसे भी इतना खर्चा मोटर चली रहती है तो खर्चा ही बहुत होता है, टेबल पास ही है इधर धो लेते हैं। चले दे पैसे क्या लेके आना है? इसका जी सर्फ लेते हैं, ये एक सौ रुपए का सर्फ और एक चक्की साबुन की। चले ठीक हो गया। चले जी मैं लेके आता हूँ सर्फ और साबुन, ठीक हो गया। कितने सर्फ लेके आने? पांच पैकेट लेते आइएगा। चलो ठीक। बेगम साहब जो है ना वो अब्दुल्ला को सिला रही थी, और बच्चे भी नहीं है, जो बंदा किसी बच्चे को भेज देता है, और मुझे ही जाना पड़ेगा बाहर। चलते हैं, सर्फ और साबुन हमने ले लिया, और अभी चलते हैं बेगम साहब को देते हैं और वो आसानी से कपड़े धो लेंगे। हाँ जी, तो अभी देख रहे होंगे कपड़े शपड़े चेंज हो गए हैं, ठीक है, और बेगम साहब जो है ना वो कपड़े धोने चली गई थी, और मैं आया हुआ था, अम्मी और भाई अरशद बिलाल और शकील और बाकी बच्चे जो है ना हम सब आए हुए थे। यहाँ पे हमने उठानी थी पराली जो राइस की होती है बची हुई, वो उठानी थी, ये देखे, और सारे बच्चे वगैरह जो भी है ना वो सब आए हुए थे, ये देखे, और ये अभी इकट्ठी की है, इकट्ठी करने के बाद जो है ना अभी लोडिंग करेंगे।
हाँ जी ट्राली जो है ना वो लोड कर ली है, ये देखे ट्राला जो है ना अपने बाल तो ठीक कर लिया, बाल जो है ना देखे काम करते बाल भी बिखर गए, ट्राला आधा लोड हो चुका है और थोड़ा सा रहता है, अभी ट्रैक्टर जो है ना ये आगे लेके जाना है और बाकी ये जो पड़ी है ना ये वाली लोडिंग करेंगे। तो अभी ट्रैक्टर चलाते हैं जी, मैंने चलाया कभी नहीं, आज फर्स्ट टाइम चलाएंगे। मैंने चलाया कभी भी नहीं, पता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मजा आया, बड़ा ही मजेदार, ऐसे जैसे गाड़ी चला रहे। तो अभी जी ये जो रहती है ना ये लोडिंग कर लेते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। हाँ जी वीवर, पराली जो है ना हमने लोड कर ली थी और तकरीबन हमें इस बात को हो चुके हैं 3 घंटे, और उसके बाद मैं आके मैंने नहाया और खाना वगैरह खाया। आज हमने बनाए थे आलू, और बेगम साहबाना आलू नहीं खाती क्योंकि जो न्यू आलू है ना वो बड़े मजेदार बनते हैं, जो पुराने आलू थे ना वो नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं बनते, बेकार बनते हैं। बेगम साहबा ने खाना नहीं खाया और अब इनको लगी भूख और मुझे कहती है कि मेरे लिए कुछ खाने को मंगवाएं। मैंने कहा अब भी टाइम हो चुका है, 9 बज चुके रात के, और मैं इस टाइम क्या मंगवाऊं। और इन्होंने कपड़े भी धोए थे, आप लोगों ने देखा जो मैंने इनको साबुन और सर्फ ला के दिया था, कपड़े धोए हैं, और अब कहती मेरी तबीयत भी खराब है। और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या खाना है और मैं इनको क्या ले के आऊं। तो हाँ जी आपने क्या खाना है? जो आपको इजी लगे वही लेके। नहीं मुझे इजी नहीं, जो आपको इजी लगता है आप बताएं। 3 चीजों में से एक लेते हैं। बताएं। या टिक्के कबाब। हाँ जी। या शवारमा। हाँ जी। बस। मतलब ये दोनों चीजें यहाँ से नहीं मिलेंगी। चलें जी, बड़ी मुश्किल है कि यहाँ से कुछ चीज मिले ऐसी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा बेगम साहबा के लिए, और पता करता हूँ जाके क्या मिलता है, फिर आप लोगों को बताते हैं। हाँ जी व्यूअर, तो मैं जो ना बेगम साहबा के लिए लेके आ चुका हूँ टिक्के कबाब लेके आया था, क्योंकि बर्गर शवारमे से भूख जो है ना वो नहीं उतरनी थी, इस वजह से मैंने कहा भी टिक्के कबाब जो है ना वो ज़्यादा मज़े करेंगे, भूख उतर जाएगी, और थोड़े से लेके आया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, उनको सिर्फ भूख है। और मेरे आने से पहले ही जो है ना इन्होंने बर्तन वगैरह इकट्ठे किए हुए, ये देखे जैसे इंतजार में बैठी थी आप। तो हाँ जी इंतजार में बैठी हूँ, और मैंने क्या काम करना है। सही, चलो ये ले डाल के और खाएं, मजे उड़ाएं। आप भी आए ना, मैं थोड़ा खाना। नहीं मुझे नहीं भूख, आपके लिए बैठ के थोड़ा थोड़ा तो खाएंगे ना। इतनी ज्यादा सर्दी लग रही थी मुझे बाइक पे जब मैं गया हूँ, लेकिन आपके लिए मुझे लाहौर भी जाना पड़ता तो मैं चला जाता। थैंक यू सो मच, क्योंकि भूख आपको लगी हुई थी ना, मुझे लगी होती तो फिर तो खैर मैंने ऐसी रात गुजार लेनी थी। और ये देखे थोड़े से लेके आया, इतने ज्यादा नहीं लेके आया, ये काफी है मेरे लिए माशाल्लाह। 3 रोटियां और 3 रोटियां लेके आया मैं, खत्म नहीं हो गया मुझसे, इसलिए आपको साथ खाने पड़ेंगे जी। अच्छा जी, ये मेरे बड़े फेवरेट हैं ये, है ना, टिक्के के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त देखिए, माशाल्लाह खुशबू कैसी आ रही, मुझे ये है ही बहुत पसंद है। हाँ जी, और बेगम साहब खाना खा रही हैं, और आप लोगों को बता दूं जो मैंने सुबह आप लोगों को वीडियो स्टार्ट में बताई थी 2 खुशियां, कौन सी खुशियां अल्हम्दुलिल्लाह वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। एक तो खुशी थी कि हमारी जो ना पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई है, हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस दिन का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी दूसरी पेमेंट आई है, और कितनी आई वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और दूसरी खुशी जो है ना वो ये थी कि जैसे मैं भाई सफदर के घर से वापस आया ना, मुझे एक दोस्त ने कहा शहजाद भी आपके लिए गिफ्ट है, मैंने कहा जी क्या, कहता आपके लिए गिफ्ट ये है कि आपको खरगोशों की ज़रूरत थी और मैंने जो आपके लिए खरगोश रखे हैं वो आप आकर ले जाएं, उसने मुझे 4 खरगोश ने वो गिफ्ट कर दिए। आज मैं जा नहीं सका लेके आने थे क्योंकि वो काम करते रहे, उसकी वजह से नहीं जा सका, और सुबह इंशाल्लाह जाना वो भी लेके आऊँगा, क्योंकि आज तो मैं लेट हो गया, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करेंगे। और व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।